अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कलेजी पिपरा और ये है 3 किलो कलेजी पिपरा, ठीक है। और इसको मैंने किया ये है कि इसको पानी में, इसको पहले धोया है, धोकर पानी में 1 मिनट के लिए इसमें थोड़ा सा आधी चमची सिरका डाला है और 1 मिनट के लिए रख कर फिर इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब इसमें दोबारा मैंने पानी डाला है और अब इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे और जो पानी होगा उसको हम निकाल देंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और ये हरी मेथी है 1 पाव के करीब और ये 2-3 टमाटर और 3 हरी मिर्चियाँ और 1 साबुत रखी है मैंने। थोड़ा सा अदरक काटना है 1 पाव के करीब या समझ लें 1 कप ले लें आप दही और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च लिया। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही नमक है। गरम मसाले में बड़ी इलायची 1, दालचीनी थोड़ी सी और ज़ीरा थोड़ा सा और काली मिर्च। ज़ीरा आप ले लें 1 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लें और अब इसके बाद देखते हैं। अब इसका पानी में ये थोड़ा सा पका है और इसका ये जो ना पानी हमने निकाल देना। प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिए थे, अब इसमें काली इलायची जो है ना, मैंने इसको थोड़ा सा खोल लिया था, ये हरी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और जीरा और काली मिर्च ऐड कर देंगे। और जो प्याज है मैंने वो 2 सर्विंग स्पून जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, वो इसमें डाले थे ऑयल और उसमें प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। अभी थोड़े से इसमें पकेंगे तो फिर मैं इसमें लहसुन पाउडर है जो मैंने खुद घर में बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लहसुन का पेस्ट वो डाल दें, हरी मिर्च वो डाल दें और नमक हम इसमें बाद में लास्ट में ऐड करेंगे अभी नहीं। और अब इसमें टमाटर, अब इसमें कलेजी पिपरा जो मैंने बॉईल किया था ना, थोड़ा सा पकाना था और उसके बाद इसका पानी हमने फेंक देना है, वो जो स्मेल होती है ना इसकी सारी निकल जाएगी, वो डाल दें। थोड़ा सा इसको हमें पकाना है ऑयल, के बाद इसमें हमने जो हमारा फ्राई किया हुआ प्याज और दही है वो ऐड करना होगा। मैंने लाल मिर्च कहना था, हरी मिर्च कह दी थोड़ी, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पे पकने की। दही डालने के बाद इसको मैंने 2 गिलास पानी डालकर 15 मिनट के लिए इसको मैंने प्रेशर कर दिया था। अब प्रेशर करने के बाद ये पक गई है, अब इसमें हम हरी मेथी डालते हैं, और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। हरी मेथी डालने के बाद इसको मिक्स किया और 5 मिनट के लिए पकाया और गर्म मसाला डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और अब इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कलेजी पिपरा की फाइनल लुक है, मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।